सी कोस का नया चेयरमैन मिल गया है, संजय कुमार श्रोतिया को बनाया गया है अध्यक्ष। राज्यपाल कलराज मिश्र की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरपीएससी को नया चेयरमैन मिल गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, संजय कुमार की ये तस्वीर। कई सारी चुनौतियां उनके सामने रहने वाली हैं और ऐसे समय में चेयरमैन नियुक्त किया गया है जब आरपीएससी से अपनी मांगों को लेकर आरएस के जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसी कई चुनौतियां उनके सामने आने वाले समय में भी रहने वाली हैं। शरद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। शरद, नया चेयरमैन तो मिल गया है, लेकिन अगर बात करें संजय कुमार की, तो कितनी बड़ी चुनौती उनके सामने आने वाले समय में रहेगी, क्योंकि बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके कंधे पर होंगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो एग्जाम करवाने हैं वो समय पर करवाना एक बड़ी चुनौती रहेगा, क्योंकि आरपीएससी पर लगातार यही आरोप लगते आए हैं कि जो एग्जाम है वो काफी देरी से हो जाते हैं। 2020 के एग्जाम 21-22 यानी दो दो साल भी देरी से हो जाते हैं, तो उन सारी चीजों को समयबद्ध करना यहाँ पर जरूरी होगा। लेकिन कई बार ये देखा जाता है जो परीक्षाएं होती है, छात्र खुद उनको देरी से करवाना चाहते हैं। जिस तरह से अभी आरएएस के जो परीक्षार्थी है वो उन्होंने मुद्दा बना रखा है कि उनकी परीक्षा आगे जो समय है उसको खिसकाना चाहिए। इसको लेकर के ये चुनौतियां रहेगी कि किस तरह से जो छात्र हैं वो भी मायूस ना हो, उनकी मांगों पर भी किस तरह से अमल किया जा सकता है और सारी चीजों को स्मूथली किस तरह से करवाया जा सकता है। ये सारी चीजें अब संजय श्रोतिया के पास रहेगी, उनके सामने चुनौतियां रहेगी। साथ ही अगर इनकी बात करते हैं तो 2010 के ये बेस के अधिकारी हैं, पुलिस मेडल इनको यहाँ पर मिल चुका है। 2007 के अंदर प्रेसिडेंट पुलिस मेडल यहाँ पर इनको मिला है। सबसे पहले अगर बात करें तो एसपी जयपुर रूरल के अंदर ये लगे थे यहाँ पर, यहाँ से कहा जा सकता है कि इनकी आईपीएस की शुरुआत हुई थी जयपुर से। उसके बाद में ये डिप्यूटी कमिश्नर भी रह चुके हैं यहाँ ट्रैफिक के तौर पे पुलिस कमिश्नरेट के अंदर, और उसके बाद में डीसीपी साउथ का भी इनको यहाँ पर जिम्मा दिया गया था जयपुर के अंदर यानी कमिश्नरेट में। साथ ही जयपुर ग्रामीण में ये अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उसके बाद में एसीपी इनको भेजा गया था, उसके बाद एसओजी भी इनको भेजा गया था। एसओजी में इन्होंने काफी लंबे समय तक काम किया। 2015 की अगर बात करें, 15 से लेकर के 2018 तक लगातार ये एसओजी के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे थे। उसके बाद में सीआईडी सीपी में भी रहे, जो सीएम की सिक्योरिटी है वहां पर भी ये रह चुके हैं डीआईजी के तौर पे, और अभी अगर बात करें तो आईजी के तौर पे जयपुर रेंज की ये सेवाएं दे रहे हैं, वहां पर अभी उनकी पोस्टिंग है जयपुर रेंज के आईजी के तौर पर। तो यहां से कहा जा सकता है कि आरपीएससी चेयरमैन अब इनको बनाया गया है, तो सीधी कहा जा सकता है कि आईपीएस में लंबा कार्यकाल रहने के बाद में अभी ये आरपीएससी में सेवाएं देंगे। तो हालांकि एक्सपीरियंस काफी लंबा जोड़ा है इनके पास में, वो उसका इस्तेमाल वहां पर किस तरह से किया जा सकता है ये देखना होगा, क्योंकि पहले भी अभी आरपीएससी चेयरमैन रहे डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, वो भी पुलिस सेवाओं से वहां पर गए थे, डीजीपी से रहते हुए वहां पर वो गए थे, और उसके बाद में अब संजय श्रोतिया फिर से एक बार पुलिस चेहरे को कहा जा सकता है कि वहां पर नंबर दिया गया है, आरपीएससी चेयरमैन बनाया गया है। तो वो तमाम जो चुनौतियां होगी उनसे निपटने की कोशिश होगी। कुछ देर में हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से चुनौतियों से निपटेंगे, किस तरह से आगे की उनकी रूपरेखा रहेगी, वो सारी चीजें भी जानने की कोशिश करेंगे। तो कहा जा सकता है कि जो पुलिस का लंबा एक्सपीरियंस है उसका फायदा जरूर यहाँ पर छात्रों को, अभ्यर्थियों को मिलेगा। चलिए, तो उम्मीद यही है कि इस अनुभव का सकारात्मक लाभ जो है अभ्यर्थियों को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया शरद तमाम जानकारी के लिए। चलिए, एक और बड़ी खबर आपको बताया, आयकर विभाग की तरफ से लगातार